पहले हिस्से की शुरुआत निर्णय से होगी, निर्णय प्रक्रिया में उनको शामिल कीजिए, उसके बाद होगा ये सारा निर्णय जो है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का हो, चाहे इस प्रोजेक्ट को लागू करने का हो, ये सारा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। सारी की सारी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो नोटिफिकेशन तो सरकारी निकलता है, लेकिन एजेंसियां जो जुड़ी हुई है वो प्राइवेट एजेंसियां है, और ये प्राइवेट एजेंसियां जो है वो मल्टीनेशनल एजेंसियां भी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये कुछ प्राथमिक जानकारी थी जो मैं बुलेट ट्रेन के बारे में शेयर करना चाहता था, आपसे साझा करना चाहता था। वहाँ जमीनी तौर पर क्या बातें चल रही है उसकी बातें हमारे साथी करेंगे। अभी मैं आनंद दास से विनती करूंगा कि आगे का संचालन पूर्ण करें। हमारा जो गुजरात महाराष्ट्र से जो हमारा कार्यक्रम नेता लोग आए हैं, उन्होंने बताएंगे जो विस्तार पे ये बुलेट ट्रेन का अलग अलग पहलू पर, मगर इस सवाल पे हमारा कार्य त्रिपाठी अभी मतलब को नहीं जाएंगे, ट्रेन पकड़ना है तो ये एनसीपी का हमारा नेता कौन त्रिपाठी पहले दो सब बता के जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक हमको बोलना ठीक होगा क्योंकि हमारा बहुत सारे वक्त है। कॉमरेड अन्नान मुल्ला, मंच पर बैठे सभी नेतागण, भूम अधिकार आंदोलन के तमाम संगठनकर्ता और महाराष्ट्र गुजरात और अन्य राज्यों से आए हुए सभी आंदोलनकारी साथी, सबसे पहले तो मैं भूमि अधिकार आंदोलन को इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने किसानों के संघर्ष को संगठित किया, तमाम संगठनों को इकट्ठा किया, ये जनता की एकता का सबूत है। ये बुलेट ट्रेन एक जमाने में नारा चला जय जवान जय किसान, अभी क्या हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यानी गुजरात के 8 जिलों में और महाराष्ट्र के 3 जिलों में ये बुलेट ट्रेन क्या काम कर रही है। हमने एक साहब से कहा कि बुलेट ट्रेन का ट्रांसलेशन हिंदी में होगा गोली ट्रेन, जो किसान को गोली मारी, जनता को गोली मारी, वो ट्रेन बुलेट ट्रेन है। यहाँ जापान में दूसरी बात है, इसीलिए जापान में चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक दबाव है, इसलिए उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया 125 करोड़ के बाद कि आप पहले किसानों से बात करके मामला सुलझाइए। अभी हमारे साथी जावेद अली साहब हैं सपा के, नवल किशोर साहब हैं और लोग हैं जो रखेंगे। जावेद अली समस्या के मूल में जाते हैं, जाएंगे, मैं उनको सुनना चाहता था, लेकिन ये चुनाव की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से वहाँ दौड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो किसानों के अधिकार की रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है। देखिए प्राथमिकता क्या है, आप इतने बड़े देश में जहां रोज 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो 125 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरत क्या है, खाना। खाना कहां से आएगा जब खेती की जमीन ही नहीं बचेगी। आप उसको इस कॉरिडोर में, उस कॉरिडोर में, बुलेट ट्रेन में, यहाँ से वहाँ, जिस संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए हैं, वो ये बताता है कि आक्रोश कितना गहरा है। तो आप लोगों की बुनियादी आवश्यकता
उस पर भी लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। खेती की जमीन शहरीकरण से वैसे ही कम हो रही है, आप उसको और कम करते जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? देश को और अन्न आयात करना, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी जैसे बढ़ रही है। आप ये बताइए हनंदा, कोई उदाहरण हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में या दुनिया में कभी आपने सुना है जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा? रोज पहले बढ़ता था, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी मान लीजिए बहुत बढ़ा तो महीने में बढ़ गया, यहां रोज बढ़ रहा है। कारण क्या है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता वर्तमान सरकार के एजेंडे में और उसके सोच में है ही नहीं कहीं है, तो बड़े पूंजीपति है, इसलिए ये पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। प्राथमिकताएं क्या है, ये बुलेट ट्रेन क्या है, क्या ये जिनकी जमीन ली जा रही है किसानों की, इनमें से कितने उस बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे? अरे याद कर देना। तो इसलिए जिसको मैं कहता हूं कि विनाशकारी विकास, तथा कथित विकास जो है ये विनाशकारी है, तो विनाश के विरुद्ध असली विकास का आंदोलन भूमि अधिकार आंदोलन है। इसलिए मैं आप सबका पूरा समर्थन करता हूं, एकजुटता प्रकट करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी, क्योंकि एनसीपी पार्टी का बड़ा भूमिका है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताकत वहाँ है, आपका बहुत योगदान देना पड़ेगा इस आंदोलन में। धन्यवाद। मैं हमारा भी समाधान जी आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंच पे आए आम आदमी पार्टी।